स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को प्लांट में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट सिंपल परमानेंट टिशू में आपने देखा था कि जितनी भी सेल्स होती हैं, टिशू की जितनी भी सेल्स होती हैं सेम शेप की होती हैं, सेम साइज़ की होती हैं, और ये सब मिलकर के एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। कॉमन फंक्शन कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू में कई प्रकार की सेल, आप कह सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, कुछ सेल कोई लंबी होगी, कोई कई किसी तरीके से, यानी कई प्रकार की सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू की डिफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, द टिशू इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट प्रेजेंट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू। द टिशू इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड दीज सेल्स एंड लगा दीजिए एंड दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू की डिफिनेशन है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू की एग्जाम्पल अगर कहा जाए, ठीक है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आती हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू आपके यहाँ बताया गया है, ठीक है, और ये दोनों टिशू, जाइलम और फ्लोएम, दोनों टिशू कंडक्टिंग टिशू होती है, मटेरियल के कंडक्शन में, प्लांट के वन पार्ट टू अनदर पार्ट मटेरियल के कंडक्शन में काम करती हैं। कौन? जाइलम और फ्लोएम, इसीलिए हम लोग इनको कंडक्टिंग टिशू भी कहते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर कंडक्टिंग टिश्यू। इनको कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मटेरियल को कंडक्ट करती हैं। कैसे कंडक्ट करेंगे, कौन किस मटेरियल को कंडक्ट करेंगे, उसको आगे हम बताएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि यही जाइलम और फ्लोएम मिल करके
एक बंडल बनाती हैं जिसको हम लोग वैस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट ट्यूट अ वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल वो प्लांट में वो पार्ट माना जाता है जिनका जिनमें कंडक्टिंग टिश्यू पाई जाती हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यू से मिल करके बनी होती हैं, ठीक है। और इनको हम लोग वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। देखिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी नाम दिया जाता है, इनको वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। और ये डिस्ट्री जो है इनमें जाइलम और फ्लोएम का अगर देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम में अलग अलग प्लांट में इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हम लोगों को मिलता है, ठीक है। और ये वास्तव में जितने भी प्लांट होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, यानी इनका मेन काम है सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। आप देखेंगे बुक में आपके यहाँ लिखा गया होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको फिगर 6.3 एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो फिगर 6.3 आप देखेंगे तो उसमें जाइलम और फ्लोएम और पूरा वैस्कुलर बंडल आपके यहाँ दिखाया गया है। उसमें अब जाइलम को देखा जाए, अब जाइलम जाइलम और फ्लोएम को जब हम आपको बताएंगे तो डिटेल करेंगे और उसको हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे।